अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तौकीर अहमद। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त चीज जो कि मुझे भेजी है मोटरोला वालों ने जो है ये चीज मुझे नून के जरिए भेजी है, तो आपको मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये है मोटरोला का मोबाइल H20। तो इसके क्या फीचर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये मोबाइल जो है एज कम्पेयर टू दूसरे जो चाइना के मोबाइल है उसके मुकाबले में कितना अच्छा है, तो ये हम अभी अनबॉक्स करके देखते हैं इसको। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिला है। आ जाए मेरे साथ। तो भाइयों, हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं अंदर कौन सा मोबाइल है और उसके साथ कोई एसेसरीज है क्या है। क्योंकि डब्बा जितना बड़ा डब्बा लग रहा है उसके साथ ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर और भी कुछ है। तो हम करते हैं इसको अनबॉक्स कि नून के डब्बे के अंदर क्या है, देखते हैं कौन सा खजाना है इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें हमारे पास निकला है एक मोटरोला का ईयरबड, कॉम्पैक्ट वाटर रेजिस्टेंट ट्रू वायरलेस हेडफोन, और साथ में इसके साथ आया है मोबाइल होल्डर, स्विच का एक्सियोम की वारंटी है इसकी। ये मैं आपको भी इसको भी अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। और ये है जी मोबाइल H20 5G। इसको करते हैं अनबॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये मोबाइल है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर यकीनन इसकी मैनुअल दी हुई है जो कि कभी नहीं पढ़ी जाती, आज तक कभी नहीं पढ़ी गई। इस तरह जब आप गूगल अकाउंट या याहू पे अकाउंट बनाते हैं उसके उनका एग्रीमेंट कभी नहीं पढ़ते, उस तरह कभी इसको भी नहीं पढ़ा कभी हमने। अच्छा, इसमें एक चार्जिंग केबल दी हुई है टाइप सी की, सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है इसमें, 30 वॉट का इसमें चार्जर है, वो काफ़ी हैवी है जबरदस्त। चले तो मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया, उसको देखते हैं। इसकी सारे स्पेसिफिकेशन मैं आपको भी इसकी डिटेल बताता हूँ इसमें क्या क्या है। इसका जो ओरिजिनल प्रोटेक्टर लगा है उसको रिमूव करते हैं। मोबाइल जो है बॉक्स से निकालते ही ऑन हो गया। पहले आप सेट देख लें कैसा है। काफ़ी लाइट वेट है ये बिल्कुल, और इसका वेट कितना है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ इसकी डिटेल। इसमें 3 कैमरे दिए हुए हैं इन्होंने, साथ में फ्लैश लाइट है। 128 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है और 8 GB रैम है। 6.7 इंच इसकी LCD है Full HD। इसका जो कैमरा है वो 108 MP है फर्स्ट कैमरा, सेकंड कैमरा जो है वो भी 8 MP है, और जो तीसरा कैमरा इसके अंदर दिया हुआ है वो 16 MP है। इसका जो फ्रंट कैमरा दिया है इन्होंने वो 32 MP है। 4000 mAh की इसकी बैटरी है। Snapdragon 778 इसका प्रोसेसर है। AMOLED डिस्प्ले है इसका, 144Hz रिफ्रेश रेट है इसका। 6.9mm स्लिम डिज़ाइन सेट है। इसमें जो है फिंगरप्रिंट इसके राइट साइड पे दिया हुआ है, इसके जो लेफ्ट साइड पे बटन दिया है वो गूगल असिस्टेंट का बटन है, और इधर जो है वॉल्यूम कंट्रोल दिया है और फिंगरप्रिंट दिया है। नीचे स्पीकर है और 2 SIM लगती है इसके अंदर, 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड लग सकता है इसमें 1 TB तक का। साथ में टाइप सी इसकी चार्जिंग पोर्ट दी हुई है। साथ साथ वीडियो देखते देखते आप जो है वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। अब जो है एयरबड को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें किस तरह के एयरबड्स दिए हैं इन्होंने। तो टेप हमने रिमूव किया है। वाओ माशाल्लाह सुभानअल्लाह, एयरबड्स हैं बहुत ही छोटे, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। चार्जिंग पोर्ट भी यहीं पे दी हुई है इन्होंने, कुछ शायद लाइट नजर आ रही है LED जलती हुई। बहुत ही कोई खूबसूरत सेट है और बहुत ही खूबसूरत इसके एयरबड दिए इन्होंने। स्टैंड को ओपन करके देखते हैं क्या सीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब बहुत ही कोई फिट चीज है ये स्टैंड है, ये बिल्कुल पावर बैंक जैसा लग रहा है। ये खोल के देखते हैं इसको क्या है। इसको पैक निकलता है और ये इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कुछ ये इस तरीके से आ जाता है इसके ऊपर। अभी मोबाइल फोन ऑन किया है, इसको सेटअप करते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं।
स्पेक्स क्या हैं आपको सही एक्यूरेट यहाँ से पता चलेगा। डिवाइस है मोटरोला एच ट्वेंटी, मॉडल है मोटरोला एच ट्वेंटी एक्स टी 2143-3। IMEI इसका नंबर आ गया है, दो सिम डलती हैं, एंड्रॉयड वर्जन 11 है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। तौकीर अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।